फाइनल दोस्तों, विक्रम बेदा फिल्म को लेकर पांचवें दिन की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स कितने देखने को मिल रही है, साथ में इसके स्क्रीन काउंट क्या बढ़े हैं या घटे हैं वो बताने वाला हूं, और साथ में इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट से कुछ ऐसे खास जानकारी भी देने वाला हूं जिससे आप लोग को ये पता चलेगा ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल दिखा रहा है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। तो सीधे बात को आप लोग को पॉइंट की ओर ले जा रहा हूं और बात करते हैं इसके पहले ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के बारे में। पहले आप लोग को बताना चाहूंगा कि इसके तीन दिन के जो वीकेंड था वो बेहद कमाल का रहा। चौथे दिन इसकी जहां तक बात करें ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स में थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो 52% ऑल ओवर इंडिया देखने को मिला था, मगर आज की जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स पांचवें दिन को देखने को मिल रहा है वो सिर्फ 38% ही। 38% मतलब चौथे दिन से भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखते हुए आज पांचवें दिन थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें आखिरकार, ये मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, दिल्ली एनसीआर हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, पटना हो, लखनऊ हो, अहमदाबाद हो या चेन्नई हो, देश के कोने कोने में हर एक जगह पर इस तरह की परिस्थिति देखने को मिल रही है इसके ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट्स को लेकर। अब बात करते हैं इसके स्क्रीन काउंट को लेकर पांचवें दिन की। तो जहां पर ये फिल्म 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था जहां तक पहले दिन, जी हां दोस्तों, इंडिया में, तो वहां के दूसरे दिन इसके स्क्रीन काउंट बढ़ाकर 4200 कर दिया गया था। बट इसके चौथे दिन की अगर बात करें, चौथे दिन इसके स्क्रीन काउंट कम कर दिए गए थे, ड्रॉप डाउन देखने को मिला था, वो भी 4000 फिर कर दिया गया। बट पांचवें दिन की अगर स्क्रीन काउंट के बारे में बात करें तो इसके और भी ज्यादा ड्रॉप डाउन देखते हुए इसको सिर्फ जहां तक 3500 स्क्रीन पर ही इंडिया में भी रिलीज किया गया है। जी हां दोस्तों, इसके ड्रॉप डाउन देखने को मिला है स्क्रीन काउंट को लेकर। तो आज 3500 स्क्रीन पर यह फिल्म रन कर रहा है। वहीं टोटली अगर बात करें वर्ल्ड वाइड को लेकर, तो वर्ल्ड वाइड में जहां तक इसके अभी तक 4200 ही स्क्रीन पर अभी रन कर रहा है, क्योंकि 700 स्क्रीन जहां तक अभी फिलहाल में ओवरसीज में देखने को मिल रही है। तो ओवरसीज हो या इंडिया हो, इसके स्क्रीन काउंट में भी ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। वहीं बात करें इसके कलेक्शन को लेकर, तो बेहद कलेक्शन में आप लोग को गिरावट देखने को मिलेगा। बट आखिरकार अभी भी ये वीकेंड बचा हुआ है, मगर इस वीकेंड जानते हैं गॉडफादर रिलीज हो रही है, कई सारे फिल्म रिलीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस फिल्म पर बहुत बड़ा इफेक्ट देगा ही। आप लोगों को क्या लगता है कि इसकी पांचवें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होना चाहिए, क्या धमाल मचा पाएगा पांचवें दिन की, क्या कमाई होगी, इस पर अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना रिएक्शन जरूर देते जाएं इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में। आगे बहुत सारे रिपोर्ट आने वाले, जैसे गॉडफादर फिल्म का हो या राम सेतु फिल्म का, बहुत सारे फिल्मों का आप लोग को रिपोर्ट देने वाला हूं। तो कंटिन्यू आप लोग इस चैनल के साथ बने रहे, मिलते हैं अगले अपडेट में जो होने वाला है बेहद इंटरेस्टिंग, काफी लाजवाब।